दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाया जो कि बहुत बेहतर आपका रिस्पॉन्स आया है। सबसे पहले तो आप सभी को शुक्रिया। मैंने एक अपडेट दिया था SP 100 के बारे में, लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हुंडा शाइन 100 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 15 मार्च को सेम लुक में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये हुंडा शाइन 125 है, वैसे दोस्तों आपको हुंडा शाइन 100 देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों हुंडा शाइन 100cc में हुंडा कंपनी लॉन्च कर रही है, बहुत ही बेहतर फीचर के साथ और एक स्मार्ट फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। सेम लुक, सेम डिज़ाइन, सेम आपको क्रोम देखने को मिलेगा, सेम आपको हेडलैम्प देखने को मिलेगा, बाकी टायर वगैरह दोस्तों आपको सेम देखने को मिलेगा। डिस्क ब्रेक का फीचर्स आपको दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा, कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा दोस्तों। वो तो 100cc की बाइक है, तो जाहिर सी बात है कि 100cc की बाइक में दोस्तों वो फीचर्स आपको नहीं मिलेगा जो कि 125cc की बाइक में आपको फीचर्स मिलता है। अब बात करेंगे दोस्तों बाइक में क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाला है और प्राइस क्या होगा, वो तो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको मिलेगा हुंडा शाइन 100 में। तो हुंडा शाइन 100 में आपको टोटल बताया जा रहा है कि 5 कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट में आपको रेड मिल जाएगा, व्हाइट मिल जाएगा फ्रेंड्स, ब्लैक मिल जाएगा और ब्लू और मैट ग्रे आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। और मैट रेड भी आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैट रेड है फ्रेंड्स हुंडा शाइन 125। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ दोस्तों, अब हुंडा की बाइक आपको BS7 में देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हुंडा की यहाँ पे एक कतार लगी हुई रहती थी हुंडा शाइन 125, लेकिन अभी यहाँ पे बिल्कुल खाली है। कल की वीडियो में मैंने दिखाया था, बाकी आज की वीडियो में मैंने एक बार फिर से कवर किया है इस एरिया को। आप देख सकते हैं सेकेंड हैंड कुछ बाइक वहाँ पर खड़ी है, इतना बड़ा स्पेस है दोस्तों। एक गाड़ी जो कल खड़ी थी वो यहाँ पर बिल्कुल खड़ी है और बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर स्पेस है, जगह खाली है। SP 2-4 पीस आया है दोस्तों, जो कि ये भी कल तक में सेल हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा दूं या फिर मैं आपको पास से दिखा दूं, जो कि आया है दोस्तों ये देख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों क्या क्या आपको मिलेगा हुंडा शाइन 100 में। हुंडा शाइन 100 में फ्रेंड्स आपको मिलेगा मीटर कंसोल, एनालॉग देखने को मिलेगा, हैंडल बार मिलेगा फ्रेंड्स आपको सेम, इग्निशन की भी आपको सेम देखने को मिलेगा दोस्तों। यानी एक 100cc की बाइक यानी स्प्लेंडर को टक्कर देने वाली, यानी स्प्लेंडर से भी दोस्तों आपको बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि हुंडा की जो बाइक है काफ़ी लंबा चौड़ा आपको हुंडा की बाइक देखने को मिलता है। सीट भी आपको स्प्लेंडर के मुकाबले में काफ़ी लंबा चौड़ा देखने को मिलता है मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हुंडा की बाइक और हीरो की बाइक में आपको डिफरेंस बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसा कि हुंडा का इंजन वो खड़ा आपको देखने को मिलता है, अब तो हीरो का भी इंजन खड़ा हो गया है, लेकिन पहले की गाड़ी में अभी भी स्प्लेंडर में आपको दोस्तों ये प्लेन इंजन मिलता है, खड़ा इंजन नहीं मिलता है। और जैसा कि दोस्तों हुंडा की बाइक में खड़ा इंजन है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों कि हीरो की बाइक ख़राब है, हीरो की बाइक भी बहुत अच्छी है, मैं हीरो की बाइक का भी रिव्यू करता हूँ, लेकिन हुंडा की बाइक का पावर कुछ अलग है हीरो की बाइक के मुकाबले में। अब बात करेंगे दोस्तों प्राइस को लेकर, तो अराउंड अभी इसका प्राइस जैसे कि दोस्तों 1,03,000 के अप्रोक्स में है, लेकिन हुंडा शाइन का दोस्तों 90,000 के आसपास में आपको प्राइस देखने को मिलेगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट में हुंडा शाइन 100 का। जी हाँ दोस्तों, हुंडा शाइन 100 में आपको एक बेहतर फीचर से देखने को मिलेगा 100cc सेगमेंट में, एक कम्यूटर बाइक और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। माइलेज वगैरह भी दोस्तों आपको सेम देखने को मिलेगा, और ये फ्रेंड्स लीवो और लीवो भी देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। BS7 का इंतज़ार है दोस्तों, ये मार्च महीने का भी 1 तारीख है जैसा कि आपको मालूम है, और मार्च महीने के 1 तारीख में दोस्तों अब देख सकते हैं पूरा यहाँ पर खाली है, और 15 तारीख तक में दोस्तों यानी मार्च में BS7 का ओपनिंग है, लॉन्च डेट है, और मार्च में BS7 लॉन्च होगा। अप्रैल महीने तक में दोस्तों पूरा ये एरिया BS7 बाइक से कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।